बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 12 पूर्वी सीमांत असम निबंध का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इस निबंध में असम के जनजीवन में व्याप्त उनके अंतरंग सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय दिया गया है। इसके माध्यम से हम वहाँ के लोगों की जीवन शैली को, विचारधारा को, रहन सहन को, रीति रिवाजों को व उनकी विविध मान्यताओं को समझ सकेंगे। हमारे आसपास का वातावरण, हमारा भौगोलिक परिवेश, हमारे व्यवसायों को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे त्योहारों और हमारे रीति रिवाजों को कितना और कैसे प्रभावित करता है, यह भी इस निबंध से हमें पता चलता है। असम के जनमानस की सौंदर्य वृत्ति का, कर्मठ जीवन क्रम का, समाज में नारी के विशेष स्थान का, उनके अपने विशिष्ट पर्व और त्यौहार विशेष आदि का इस पाठ में परिचय दिया गया है। साथ ही असम के इतिहास एवं साहित्य का भी विशद वर्णन इस निबंध में है। आइए इसको पढ़ते हैं पाठ। कुछ लोग इसे दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। दुर्गम मने गम मने जाना, जहाँ जाना मुश्किल हो, दुर्गम मने जहाँ जाना कठिन हो। कुछ हरा भरा वन प्रांत मानते हैं, यहाँ गैंडे, हाथी, चीते और बाघ घुमा करते हैं। कुछ इसे कामरूप की जादूगरनियों का देश समझते हैं। यहाँ कामाक्षा देवी का मंदिर है, कुछ ब्रह्मपुत्र का प्रदेश जो नाना जातियों के गीतों से गूंजता रहता है। पौराणिक कथाओं में इनका नाम प्रज्योतिष मिलता है, कभी इसे कामरूप कहा जाता है और आज यह असम कहलाता है। कालिदास ने रघुवंश में इसे नील लोहित कहकर पुकारा था। मतलब कि असम प्रदेश जो है, इनका कई नाम है और असम का मतलब है कि जो जहाँ सम ना हो, जहाँ कुछ भी बराबर ना हो। तो यहाँ कामरूप की जादूगरनी का देश भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ कामाक्षा देवी का मंदिर है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ का यहाँ पर कालिदास ने रघुवंश में इस जगह को नीलोहित कहकर पुकारा था। प्रत्येक नाम का कोई ना कोई अर्थ तो होता है। असम नाम बहुत नया है, बाद का नाम है ये, पहले इसे कई नामों से जाना जाता था। बर्मा की ओर से आने वाली अहोम जाति ने इस प्रदेश पर 600 वर्षों तक शासन किया। बर्मा जो हमारे देश का पड़ोसी देश है, तो उस देश के कुछ लोग यहाँ अहोम जाति के लोग यहाँ आकर इस प्रदेश में, असम में आकर 600 वर्षों तक शासन किए थे। अहोम शब्द से यह शब्द असम बना, तो वही अहोम जाति के नाम पर असम शब्द, इस प्रदेश का नाम असम पड़ गया, जो कि सबसे नया नाम है। यहाँ के निवासी इसका उच्चारण अहोम ही करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच असम है। असम का अर्थ है ऊंचा नीचा। असम में नाना जातियों का संगम हुआ है, 100 से ऊपर बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं। इन सब के रीति रिवाज अलग अलग हैं। यहाँ शैव तांत्रिकों का प्रभाव है। शैव कामाक्षा देवी की मूर्ति इसका प्रमाण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ बहुत दिनों तक रहा। यह धर्म तिब्बत और चीन यहाँ से होकर गया। 15वीं सदी में शंकर देव ने इस प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मुसलमानों के साथ इस्लाम और अंग्रेजों के साथ यहाँ ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। पहाड़ी जनजातियों में विशेष रूप से ईसाई फैला ईसाई धर्म फैला पहाड़ी जातियों में। उनके अपने आदिकालीन धर्म और तंत्र भी इस कम रोचक नहीं है। इस प्रकार असम नाना धर्मों और मान्यताओं का विचित्र गुलदस्ता है। मतलब कि असम में कई धर्म के रहने वाले, कई रीति रिवाज को मानने वाले और कई तरह के लोग रहते हैं। इस प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का प्रमुख स्थान है।
कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वह वहाँ नहीं कर सकती हैं। उड़ते हुए बादलों के नीचे सुनहले खेतों के बीच फसल काटते हुए असमिया बालाएं जब गीत गाती हैं तो यह सारी घाटी मंत्र मुग्ध हो उठती है। उनका पहनावा भी बहुत सुंदर है, मेखला छाती ढकने वाली चादर और शाल इनका लाल बूटेदार किनारा और मूंगा रेशम और कपास के सभी घरेलू वस्त्र ये स्वयं खरगोश पर बुनती हैं। गांधी जी ने कहा था कि असम की नारी जन्मजात बुनकर हैं। यह करघो पर कविताएं बुनती हैं, सुंदरता को हानि पहुंचाए बिना उनके अपने पहनावे नित्य व्यता का व्यवहार किया है। काम करते समय ये पेटीकोट और लंबी बाहों वाली शमीज पहनती हैं। पेटीकोट पर सुंदर दुपट्टा बांधने का नियम है। रंग इन्हें भी प्रिय है। यहाँ यह मान्यता है कि जो लड़की नाचना और बुनना नहीं जानती वो कुछ नहीं जानती, यानी कि असम के लोग का पहनावा किस प्रकार है ना। सुंदर सुंदर कढ़ादार समीज और लहंगा पहनती हैं और उस दुपट्टा उस पर कढ़ाई किया रहता है। और नृत्य में भी ये यहाँ की औरतें प्रवीण हैं। नृत्य संगीत के क्षेत्र में इसलिए यह प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। वैसे भैंसे लड़ाना भी यहाँ का एक मनोविनोद है, मतलब आनंददायक खेल, लेकिन इसका प्रमुख त्यौहार बिहू है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है, आप लोग जानते ही हैं, जो यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। बिहू उत्सव तीन तरह के होते हैं, काते बिहू या कंगाली बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, छितर बिहू या रंगाली बिहू। रंगाली बिहू इन तीनों में प्रमुख है। यह बसंत के अवसर पर मनाया जाता है। यह पुराने वर्ष को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करता है। इसके तीन भाग हैं, गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। शेष भारत की तरह असम भी कृषि प्रधान देश है, इसलिए गाय बैलों की सेवा करना स्वाभाविक है। गौ सेवा के पर्व का नाम है गरु बिहू। नव वर्ष के पहले दिन मनोहर बिहू होता है। इसमें सब छोटे अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं और मंदिर में इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं। जब प्रकृति आनंद मनाती है तब व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है। वह नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मस्त हो जाता है। सब लोग घर घर जाकर हुचरी गीत गाते हैं। हुचरी बिहू नाच में युवक युवतियां समान रूप से भाग लेते हैं। पहले कैसे भी गीत गाए जाते हों, लेकिन शंकर देव के बाद पवित्र कीर्तन के गीत ही अधिक गाए जाते हैं। बैशाख में सात दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है। जाति धर्म और वर्ण सबसे ऊपर होकर यह असमिया जाति की एकता और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। तो बच्चों, यहाँ के लोग बिहू त्यौहार प्रमुख त्यौहार है और प्रकृति का भी यहाँ आनंद लेते हैं लोग। मौसम में बांसुरी का मादन संगीत भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। वैष्णो नाट का प्रचार महापुरुष शंकर देव ने किया था। मणिपुर नृत्य इस प्रदेश की विशेषता है। यहाँ के निवासी हसमुख और संतोषी हैं। पुरुष केवल धोती पहनते हैं और सर्दियों में कंधों पर चादर डालते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन दाल भात मछली। यहाँ का प्रमुख भोजन क्या है? दाल भात मछली है। तंबाकू और शिकार के ये बहुत शौकीन हैं। पान ये लोग बहुत खाते हैं, पर बिना कत्थे का सुपारी खाते हैं और खूब खाते हैं। घरों में बत्तखे पालते हैं। नाना जातियों के कारण भी जो भिन्न प्रकार के रीति रिवाज दिखाई देते हैं वह अब आधुनिक सभ्यता के कारण मिटते जा रहे हैं। असम आधुनिक हो रहा है। इसी क्रम में अनेक भाषा और बोलियों के मेल से असमिया का जन्म हुआ है। इस प्रदेश की मुख्य भाषा है लिपि बंगला के समान है, लेकिन उच्चारण में बहुत भेद है। स का उच्चारण ये ख की तरह करते हैं। अपने प्रदेश को असम नहीं अहोम कहते और च को स बोलते हैं। असम के उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है और पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर पूर्व में तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी, गहरी और चौड़ी है।
यह बार बार फिहर कर यहाँ के निवासियों की सहनशक्ति को परीक्षा लेती रहती है। फिर मैंने बढ़कर भूचाल में ने कितनी ही बार इनके भूगोल को बदला है। इसके नगर और कस्बे अधिकतर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। वनों में साल सागवान, सनीवर, महोगनी, सेमल, शीशम और बुला आदि अनेक प्रकार की कीमती लकड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। बेत बहुत मिलता है, बांस, केला, सुपारी और खजूर का पेड़ भी खूब मिलते हैं। केले के पेड़ यहाँ पर असाधारण रूप में और लंबे मोटे होते हैं। एशिया में पेट्रोलियम का पहला कुआं इसी प्रदेश में माकम स्थान पर 1867 में खोदा गया था। लखीमपुर और कछार में पेट्रोल तथा डिगबोई में किरासिन के तेल खूब निकलता है। कोयले की खानें भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इनके गौरव का कारण है चाय। देश भर में जितनी चाय पैदा होती है, इनका आधा भाग असम में होता है। धान, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अनानास, आंडू, केले, नारंगी, आलू, सुपारी भी यहाँ की खूब हैं। सिल्क, मूंगा और अंडी रेशम यहाँ की विशेषता है। चीनी, तेल, चावल की मिले, सीमेंट, दिया सलाई, कागज बनाने का कारखाने यहाँ पर हैं। यहाँ कई ऐसे सुरक्षित व वन प्रदेश है जहाँ वन्य पशुओं की रक्षा की जाती है। गुवाहाटी में 200 गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पर काजीरंगा में एक अत्यंत सुंदर पशु विहार है। यह 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एक सींग वाले गैंडे, हाथी, भैंसे, सुअर, चीते, वृक्ष और हिरण तथा नाना प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। भूटान की सीमा के पास कामरूप जिले में मानस नाम का एक एक और सुंदर पशु विहार है। कहा जाता है कि प्रागज्योतिक की स्थापना राजा राम ने वंशजों ने की थी। आर्यों के बाद मंगोलों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। नरकासुर इसी जाति का राजा था। पुराणों में इसे भगवान विष्णु और धरती का बेटा बताया जाता है। इसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला था। इनका पुत्र भगदत्त महाभारत के युद्ध के में कौरवों की ओर से लड़ा था। इसकी सेना में किरात और चीनी आदि थे। युद्ध के से पहले अर्जुन भी इस ओर आया था। इसने मणिपुर का नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। ऐतिहासिक युग में इस प्रदेश की चर्चा गुप्त सम्राटों के समय से ही आती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में असम का उल्लेख है। उस समय इस प्रदेश का राजा समुद्रवर्मा सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। गुप्त वंश के किसी राजा मिहिर सेन गुप्त ने कामरूप गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा को युद्ध में हरा दिया था। इसी वंश में भास्कर वर्मा सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। वह हर्ष का समकालीन था। चीनी यात्री वानसिंह वेन सांग इसी समय यहाँ आया था। उसने इस प्रदेश के बारे में लिखा है, यहाँ की भूमि उर्वरा है, जलवायु आर्द्र और उष्ण है, नहरें सदा बहती रहती हैं। यहाँ के निवासी सरल और सच्चे हैं, वे देवी की पूजा करते हैं। यहाँ देवी देवता और संप्रदाय के लोग हैं। मुसलमान इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए। कोच वंश के शासकों ने भी के समय वैष्णव कला और संस्कृति का यहाँ बहुत प्रचार हुआ। इन्होंने अहोमों के आगे बढ़ने पर रोका, लेकिन कुछ ही समय में इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। ये अहोम लोग शासन शान जाति के थे और पटकाई के दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में आए थे। इनके नरेशों में एक जय ध्यान सिंह था, जिसने मीर जुमला को हरा दिया, लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि आमेर के राजा राम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लचित बरफुकन को है। 17वीं सदी में राजा गदाधर सिंह और रानी जयमती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। रानी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु को राजा का पता नहीं बताया। यह शत्रु उनका अपना सेनानायक था, जो राजा की गद्दी से उतार कर स्वयं लोरा राजा के नाम का सशे शासक बन गया था। मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को लुटेरे समझते थे। ये जो समृद्ध प्रदेश को लूट कर लौट जाते थे। कुछ दिन
इस प्रदेश पर वर्मा का अधिकार भी रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद जैसा कि शेष भारत में हुआ, वहाँ भी स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए तड़प पैदा हुआ। सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम में यहाँ के पीएलई बरफुकन जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी। मणिराम और महेश चंद्र बरुआ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जितनी शक्ति खर्च की, उतनी पठान कबीली को अधीन रखने के लिए भी नहीं की थी। असमिया साहित्य का उदय 13वीं सदी में हेम सरस्वती के प्रहलाद चरित्र से माना जाता है। 14वीं सदी के माधवी कंदाली के रामायण का अनुवाद किया था। इनकी रचना देवजीत असमिया की पहली महान कृति है, लेकिन इस साहित्य को सही दिशा 15वीं सदी के महापुरुष शंकर देव ने की। उस समय इनकी कीर्तन घोष, माधव माधव दीन की नाम घोष और बड़ा गीत जैसी रचनाएं सामने आई है। आधुनिक साहित्य का जन्म 19वीं शताब्दी में मिशनरियों के संपर्क से हुआ। आज के प्रसिद्ध लेखकों में हेमचंद गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बैजबरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाल, नलनी बाला देवी, ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल, कमलेश्वर चालिका, देवकांत बरुआ, लक्ष्मीधर शर्मा और हेमचंद बरुआ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। यहाँ बांग्ला, उड़िया, हिंदी, मुंडारी और नेपाली आदि भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। आप यदि गुवाहाटी से नाव में बैठकर पूर्व की ओर डिब्रूगढ़ जाएं तो अनेक मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। नदी के बीच में कई सुंदर टापू हैं। गुवाहाटी असम का प्रवेश द्वार है। यहाँ जो टापू है वह उस उमानंद है यहाँ जो टापू है उस पर उमानंद है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पर है और नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर भी यहीं स्थित है। ब्रह्मपुत्र पर सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही रंगीन होता है। तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थान यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेश प्रसिद्ध नगर हैं नौगांव धान उत्पादन के लिए, शिव सागर ऐतिहासिक स्थानों के लिए, नामरूप खाद के कारखानों के लिए, नाहर कटिया काटिया एवं डिब्रूगढ़ तेल और गैस के लिए तथा तिनसुखिया व्यापार के लिए। डिब्रूगढ़ और जोरहट संस्कृति और शिक्षा के केंद्र हैं। लेकिन असम की यात्रा ब्रह्मपुत्र के बीच में बसे हुए माजुली द्वीप को देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। माजुली द्वीप महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य क्षेत्र है। असम की संस्कृति का सच्चा रूप यहीं पर है। यहीं पर आप असमिया नाट्य नृत्य और संगीत से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है। तो असम के विषय में जो भी जानकारी आप लोग को प्राप्त हुआ, यहाँ के रहन सहन।